हाय गाइस, तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज फिर से खेलने जा रहे हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करो। तो गाइस, आज हमने ना एक ब्लडी सर्वर स्टार्ट की है। तो आपको पता है एक रैंक सर्वर हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके अंदर ना आपको पता है एक तो रेड टाइम होता है और दूसरा क्या होता है कि अगर किसी बंदे को मारते हो तो उसका ना लूट पूरा नहीं गिरता है। और मेरे टीममेट के साथ मैं गया था, लेकिन मेरे टीममेट बोल रहे थे कि हमने ना रैंक सर्वर नहीं खेलना है क्योंकि हमको मज़ा नहीं आ रहा है, और दूसरा रेड टाइम जब होता है तब हमको कोई ना कोई काम पड़ जाता है, तो इस वजह से हम चले जाते हैं। तो मैंने बोला चलो ब्लडी में जाते हैं, एक तो 24 घंटे का रेड टाइम होता है और कोई मसला ही नहीं बनता, तो किसी भी बंदे को मारोगे तो उसका पूरा लूट गिर जाता है। तो इस वजह से हमने रैंक सर्वर छोड़ के हम ब्लडी में आ गए थे। तो आप देख सकते हो अभी ये घर भी हमने बना दिए और ब्लूप्रिंट वगैरह मैंने लगा के ना, और काफ़ी सारा फ्यूल मेरा टीममेट ले आया था तो उससे फर्नेस वगैरह हमने पूरा बना लिया था। तो इस वजह से ना अपना हमने स्टार्ट तो कर लिए ब्लडी, अब देखते हैं क्या होता है। और गाइस आप ना मुझे एक बात बताना, मैं सोलो खेलूँ या अपने टीममेट के साथ खेलूँ ये भी मुझे बता देना, ताकि फिर मैं आपके लिए सोलो गेम प्ले भी डाल सकूँ। जैसे आपको वीडियो अच्छा लगे ना, मैं उसी टॉपिक के ऊपर ना वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि आप बोलो कि सोलो पे है तो सोलो मैं खेलूँगा, अगर टीममेट का बोलोगे तो मैं अपने टीममेट के साथ खेलूँगा। तो इस वजह से ना जैसे आप बोलोगे, जिस तरह का आपको वीडियो अच्छा लगता है आप नीचे मुझे बता देना, चाहे तो सोलो लिख देना या फिर आप टीममेट के साथ लिख देना, तो मैं उसी तरह फिर खेलने लग जाऊँगा। और गाइस आप देख सकते हो लूट तो हमारे पास काफ़ी हो गए। तो गाइस अभी ये कैबिनेट वाला भी लूट मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो इधर भी काफ़ी सारे स्पेयर वगैरह पड़े हुए हैं। और गाइस काफ़ी सारे भाई मुझे बोलते हैं यार आपके घर का ब्लूप्रिंट का पासवर्ड क्या है। तो ये पासवर्ड है आपकी स्क्रीन के ऊपर ना दिख रहा है, तो ये आप जाओगे मेरी आईडी में और आईडी भी मैंने साथ में आपको दिखा दिया, तो ये आप लगाओगे ना मेरा आईडी आ जाएगा और फिर ना आप जाकर ब्लूप्रिंट पर जैसे ही जाओगे तो वो कोड मांगेगा, तो ये कोड आपने ना उधर ही यानी कि डाल देना, तो ये ब्लूप्रिंट आप कॉपी कर सकते हो। तो गाइस इतना बड़ा मसला नहीं है, तो ये आप आराम से कॉपी कर सकते हो। और गाइस ये ना मैं फटाफट पहले तो ना मैं इधर से फार्मिंग करता हूँ स्पेयर का, और ना फिर स्पेयर इकट्ठा करते हैं और ना अपना बॉम वगैरह का रेसिपी ओपन करते हैं। और गाइस ये बोट है तो बोट को भी पहले मैं मार देता हूँ और देखते हैं क्या मिलता है। तो गाइस और तो कुछ नहीं है, एक सुरंजी मिली है, तो चलो छोड़ते हैं, तो फटाफट ना पहले फार्मिंग करते हैं। तो गाइस अभी ना आपने वो लाजमी बताना है मैं सोलो खेलूं या अपने टीममेट के साथ खेलूं, तो ये आपने कमेंट के नीचे लिखकर मुझे बता देना है। तो गाइस अभी फटाफट ना स्पेयर फार्मिंग करते हैं। और गाइस काफ़ी सारे भाइयों को मैसेज आ रहे हैं कि हमारा गेम बहुत लैग हो रहा है, तो गाइस लैग क्यों ना हो, क्योंकि जिस गेम के अंदर दो दो मैप हैं और साथ में दो दो मैं आपको क्या बताऊँ, अभी ऑपरेशन बेस है 4v4 वाले दो पड़े हुए हैं और गाइस फालतू के सामान इन्होंने डाल रखे हैं, कोई फ़ायदा है नहीं, बस ऐसे ही डाल रखे हैं और गाइस इस वजह से लैग हो रहा है। और गाइस आप उनके पेज के ऊपर जाओ ना, उनको बोलो इसी तरह लैग हो रहा है, और उनका पेज है फेसबुक के ऊपर ना, तो आप उधर जाओ और उधर आप ना उनके नीचे मैसेज करो, तो आपको ना उधर से वो कुछ ना कुछ वो फिर आपको बता ही देंगे लैग के बारे में, ठीक करेंगे या जो भी होगा ना। तो इस वजह से बहुत सारे बंदों का लैग हो रहा है, तो कभी कभी तो मेरा भी लैग होने लग जाता है, जब ज़्यादा बंदे आ जाए ना तो मेरा भी गेम जो है ना वो लैग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो इतना लैग नहीं हो रहा है, अभी तो हो ही नहीं रहा है ना, तो जब कोई ऐसी जगह आती है ना जिधर 3-4 बंदे सामने आ जाते हैं, उस टाइम तो भाई सीधा क्रैश होता है, गेम बैक जाते ही नहीं है लॉबी के अंदर, सीधा क्रैश हो जाता है, अपने आप गेम बैक चला जाता है। तो इस वजह से ना अभी घर से बाहर तो अकेला बंदा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जब बंदा आगे जाए तो उधर गेम क्रैश हो जाता है। रेड के ऊपर जाओ, रेड के ऊपर एक बस एक डोर तोड़ते हो और देखते हैं तो बंदा डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप, फिर वो बंदा आराम से मार के अपना बॉम्ब शॉम लेके बोलता है यार क्या ही बंदा था। तो यही बात है, ये सभी के साथ हो रहे हैं, आपके साथ नहीं हो रहे, ये मेरे साथ भी हो रहे हैं। अगर मैं किसी घर को रेड करता हूँ ना तो उधर ही घर के अंदर जाकर उसके सो जाता हूँ, तो वो बंदा तो बोलता है यार कैसा बंदा था, आकर अपने आप पूरा बॉम्ब देकर गए। एक बंदा तो मेरे बेस रेड करने आया तो मुझे 100 बॉम्ब देकर चला गया, ऐसे है आप जैसे ही बॉम्ब लगाए जैसे मैं बाहर गया तो डिस्कनेक्ट पड़ा हुआ था, तो बॉम्ब इस वजह से वो दे गया क्योंकि
अपना आपको पता है क्राफ्टिंग के अंदर जो भी सामान होते हैं वो गिर जाते हैं, तो वो अपना पहले से बना के आया था कि इसका आयरन वाला वॉल उसी टाइम में तोड़ दूंगा, लेकिन वो बेचारा एक दो बॉम ही लगा और डिस्कनेक्ट हो गया और पूरा का पूरा बॉम उसका मैंने ले लिया। तो यही मसला है सभी के साथ, यही मसला है, बस इसका एक ही हाल है। आप जो है ना गुड, यानी कि एक तो है ना गुड के ऊपर आप खेलोगे या बैलेंस के ऊपर खेलोगे तो उसके ऊपर ना आपका गेम अच्छा चलेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो इसके ऊपर सुबह मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपका लैग नहीं होगा। तो गाइस होगा तो सही, लेकिन 100 में से ना, यानी कि 100 में से आपका 60% ही होगा, यानी कि 40 या 50% आपका इजाफा हो जाएगा, तो इतना लैग नहीं होगा। और गाइस आप देख सकते हो इधर भी काफ़ी सारा, इधर हमारे पास लूट वगैरह पड़ा हुआ है। और गाइज आप ना बस मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है, फिर सुबह, ताकि मैं जब देखूँ ना कमेंट और लाइक और ना बस मेरा दिल ही खुश हो जाए और मैं आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे लैग ख़त्म होता है। तो लैग बिल्कुल ऐसे समझ लो ख़त्म ही करके दिखाऊंगा आपको, और आप जब खेलोगे ना आपको फील नहीं आएगा कि आपका ना लैग हो रहा है। तो इस तरह का मैं आपको ना सेटिंग बताने वाला हूँ। और गाइज आप ना बस वीडियो को लाइक और कॉमेंट मार देना, सुबह जब मैं देखूँ ना तो मैं बस आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाऊं। और गाइस अभी ये आप देख सकते हो ये बेंच मेरा काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं हमारे पास कब आएगा, तो अभी ना पहले ये करते हैं और कुछ भाई वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे जिनका रेड मैंने अभी करना है, तो फटाफट जाते हैं और उनका भी रेड करते हैं। पहले तो ना ये अपना बेंच के ऊपर मैं जाता हूँ और जो ना ये बॉम वगैरह का रेसिपी है ना मैं फटाफट ये पहले निकालता हूँ और देखते हैं फिर कोई बेस वगैरह दिखते हैं तो जाकर रेड करते हैं। और गाइज अभी बॉम का रेसिपी तो बन गया, तो इसका ना मैं पहले लॉक ओपन करता हूँ और ना अभी ये किचन नाइफ का भी मैं डाल देता हूँ, ये मेरा टीममेट ओपन करेगा क्योंकि ये फार्मिंग करता है ना स्पेयर का, तो फिर ये दोबारा मेरे से मांगे इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसी वजह से मैंने बोला आप खुद ना इसका रेसिपी निकाल लो, तो मैं बॉम का निकाल लेता हूँ। और गाइज जैसे ही हम आए ना तो इधर एक बेस था, तो हमने बोला चलो ये था तो एक ही बेसल का, तो हमने बोला चलो इसको रेड करते हैं, इसके अंदर ना फर्नेस वगैरह पड़ा हुआ था, तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या हमको लूट मिलते हैं, तो फटाफट पहले इसको रेड करते हैं। तो गाइस अब इसका डोर तो टूट गया था, तो इसका ये मैं बॉक्स चेक करता हूँ, तो बॉक्स के अंदर ये सामान पड़ा हुआ है और ये भी मैं उठा लेता हूँ। और गाइस ये बंदा आ गया, तो इस बंदे को पहले तो मारना पड़ेगा। और गाइस इसको पहले मैं मारता हूँ, तो इस बुलेट का तो डैमेज गया नहीं है, एक ही बुलेट का मेरे का ना डैमेज गया है इसको, और तो जितने भी ना बुलेट थे वेस्ट ही गए थे, और ये बाद वाले बुलेट का डैमेज गया। और गाइस और तो इसके पास कुछ था नहीं, किचन नाइफ था तो वो भी लॉक में था, तो वो भी चला गया उसके साथ। और इधर देख सकते हो 500 मुझे स्पेयर मिल चुके हैं, और काफ़ी अच्छी अमाउंट में स्पेयर मिल चुके हैं मुझे। और गाइस अभी फटाफट ना मैं फर्नेस के अंदर से सामान निकाल लेता हूँ, और गाइस ये बॉक्स के अंदर देखता हूँ तो इधर भी काफ़ी सारा सामान है, तो ये भी पहले निकाल लेते हैं। और गाइस इधर देखते हैं और क्या क्या बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो मैं अभी देखता हूँ इधर ना, तो इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर भी काफ़ी सामान है, तो ये भी निकाल लेते हैं। और गाइस क्या क्या और हमको मिलते हैं, और एक तो गाइस मेरा ना क्या ही मैं आपको बताऊँ स्पेस ही फुल हो गया, और उधर से ना थोड़ा सा ना मैं इधर ये लगा लेता हूँ अपना हेल्थ के लिए ना, हेल्थ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि हेल्थ थोड़ा मेरा कम हो गया था। और गाइस अभी इधर से पूरा सामान उठाते हैं और फिर इधर से चलते हैं। तो गाइस अभी देखते हैं, तो गाइस इधर से ना मैं पहले ये वाला सामान उठाता हूँ, और गाइस ये जो फालतू सामान है इसके अंदर डाल देता हूँ और अच्छे वाला सामान निकालता हूँ, और देखते हैं और कोई बेस हमको दिखता है या दिखता है तो उसको ना रेड करते हैं। और गाइस अभी इतना सारा लूट हमारे पास आ गया और वो सामने एक बेस है तो उसको रेड करते हैं, तो ये हम आ गए हैं सामने वाले बेस पर, तो इसको चलो पहले रेड करते हैं और देखते हैं इसके पास क्या क्या हमको मिलता है। और गाइस अभी देखते हैं, तो हाँ गाइस ये एक डोर तो मैंने तोड़ दिया, अभी दूसरा डोर तोड़ते हैं और चेक करते हैं गाइस। तो ये दूसरे डोर के ऊपर भी मैंने बॉम्ब लगा दिए हैं, अब चेक करते हैं क्या होता है, तो हो सकता है इधर से हमको अच्छा लूट मिलता है या नहीं मिलता है, अभी चेक करते हैं हमको कैसा लूट मिलता है। और आप देख सकते हो इधर से तो इसने रूफ लगाया हुआ है, तो ये बैग पड़े हुए हैं और ये कुछ इसके वही बॉक्स वगैरह, तो गाइस इधर से ही बॉम्ब लगाते हैं, अगर सीधे लगाते हैं ना तो हमारा फिर से 10 बॉम्ब लगेगा, तो वो हम इधर से लगा देते हैं, तो 7 बॉम्ब में काम बन जाएगा, क्योंकि 3 बॉम्ब तो वैसे ही मैंने डोर के ऊपर लगाए थे ना, तो वो उधर डैमेज पड़ गया था। और गाइस इधर इसका कैबिनेट होगा, तो हाँ ये कैबिनेट है, तो कैबिनेट को तोड़ देते हैं।
तो गाइस जिसका कैबिनेट तो टूट गया था, तो अभी ना इस घर को कवर करते हैं और गाइस ये लूट के इस चीज़ का है। तो देखते हैं, तो इधर पता नहीं बंदा सोया हुआ था कि क्या था, तो चलो देखते हैं गाइस। तो पहले तो इसका ना मैं लूट उठा लेता हूँ, तो इधर भी स्पेयर वगैरह थोड़े से मिल जाते हैं मुझे। तो गाइस पहले तो ना इसको ना इसके बैग वगैरह तोड़ देते हैं और गाइस फिर ना चेक करते हैं ऊपर ना इसकी एक और भी इसने बनाया हुआ था ना ऊपर कमरे वगैरह, तो उसमें चेक करते हैं। तो हाँ गाइस ये ना फर्नेस का लूट ही नीचे गिरा था, तो गाइस वो फर्नेस का लूट था। मैंने बोला पता नहीं कोई बंदा मरा है या कुछ, तो गाइस इधर ना मैं लगा देता हूँ, तो ये ना वॉल सीलिंग लगा देता हूँ और ना चेक करते हैं इधर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो गाइस पहले तो मैं आपको ये लूट चेक करवाता हूँ, इधर देख सकते हो कितना सारा लूट पड़ा हुआ है। तो गाइस इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, तो ये भी उठाते हैं फिर इधर से चलते हैं। और गाइस ये भी आप देख सकते हो काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। और गाइस अभी ना बॉक्स मैं आपको ना चेक करवाता हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, तो इसको पहले अपग्रेड कर देते हैं कहीं ये ना हो कि कोई बंदा आ ना जाए और ऐसे मार ना देना। तो गाइस ये तो हो गया गाइस, और ये इधर इसका लूट चेक करते हैं, तो लूट इसके पास क्या क्या है तो ये आप देख सकते हो। तो गाइस इधर देख सकते हो काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, तो ये हम उठा लेते हैं अभी और फिर चलते हैं और कोई न्यू बेस देखते हैं और न्यू बेस को रेड करते हैं। तो गाइस लूट तो मैंने आपको चेक करवा दी है, तो गाइस वो लूट तो मैंने घर में रख दी है, ये मेरे घर के आगे ही शॉप है ना। तो इधर ना एक बेस था, तो ये ना लाइटर वगैरह तो हमने एक एक जगह से मैंने लगाया, दूसरे से मेरे टीममेट ने लगा दिया, तो दो दो लाइटर हमने लगा दिया था। तो अभी ना गाइस अभी ना फटाफट इधर मैं 10 बम लगाता हूँ और देखता हूँ गाइस क्या होता है। तो अभी ना मैंने ऐसे लगाया, मैंने बोला चलो इधर फर्नेस चले हुए थे ना, मैंने बोला कम से कम अगर टीसी नहीं भी मिलता ना, अगर एरन में पड़ा होता नीचे कहीं तो इसके फर्नेस तक पहुँच जाएँ। और गाइस जैसे मैंने ये तोड़ा ना, तो इसका ये लूट था और साथ में कैबिनेट भी मुझे दिख जाता है। और गाइस फटाफट इसका कैबिनेट के ऊपर 2 बम मैंने लगा दिए हैं। और गाइस हो सकता है इस घर से अच्छा लूट मिले, क्योंकि ये बंदा तो कोई डबल सीलिंग वाला यानी कि डबल वॉल वगैरह इसने लगा रखे थे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लूट इधर से हमको मिलने वाला है। और गाइस ये मेरा टीममेट अभी तक, ये मैंने बस ना इधर कैबिनेट लगा दिया था और ये टर्फ मांग रहा था, तो टर्फ मैं इसको दे दूँगा। और गाइस पहले तो ना फटाफट ना इसका ना ऊपर से मैं छत को कवर कर देता हूँ, और गाइस फिर नीचे चलते हैं और देखते हैं हमको क्या क्या लूट मिलते हैं। और गाइस काफ़ी सारे फ्रेंड बोलते हैं कि आप जब कोई वॉल वगैरह लगाते हो तो आपका वुड बहुत कम लगता है, तो गाइस मैंने वो टैलेंट पॉइंट के साथ ना वो अपग्रेड की हुई है, इस वजह से मेरा वुड बहुत कम लगता है। तो जो मेरा वो डोर वगैरह है ना, तो वो भी यानी कि 20 वुड भी पूरा नहीं लगता है, 17-18 वुड ही लगते हैं, तो इस वजह से ना बेसल भी यानी कि 30-38 में लग जाता है, तो इस वजह से मेरा कोई इतना वुड ज़्यादा नहीं लगता है। और गाइज आप देख सकते हो इसका लूट इधर कितना सारा पड़ा हुआ था और काफ़ी सारे हमको स्पेयर भी मिल चुके हैं। और गाइज इसके बॉक्स भी चेक करते हैं और बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। और गाइज अभी ना फटाफट ना पहले इधर से चेक करते हैं, तो इधर भी काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं उठा लेता हूँ। और गाइज अभी और चेक करते हैं, अभी फर्नेस तो मैंने चेक किए नहीं है, तो पहले ना फर्नेस भी जाकर फिर चेक करते हैं। और गाइज इधर ना थोड़ा डैमेज दिखा रहा था ना, तो ये जब मैंने देखा तो ये मेरे अपने टीममेट ने ना इस बंदे का बैग तोड़ा था, तो इस वजह से ना ये दिखा रहा था। और गाइस इधर इसके फर्नेस से चालू हैं, तो पहले तो फर्नेस चेक करते हैं फर्नेस के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइस इधर काफ़ी सारे आयरन वगैरह और मुझे थोड़ा सा स्टील मिल चुका है। और गाइस इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर देख सकते हो कितना सारा चारकोल है, तो ये चारकोल भी मैं निकाल लेता हूँ। और गाइस अभी और चेक करते हैं और इधर से हमको क्या क्या दिखने को मिलता है। और गाइस मेरा टीममेट टर्फ मांग रहा है, तो इसको टर्फ भी मैं दे देता हूँ। तो गाइस अभी पहले तो टर्फ इसको देता हूँ ना, तो बाद में ही और काम करता हूँ, तो ये ना ओके ना कोई अगर डिस्कनेक्ट हो भी जाता है तो दूसरा फिर बंदा ना वो कर ले। तो ये देख सकते हो इधर गाइस इसका कितना सारा सामान पड़ा हुआ था। और गाइस इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर देख सकते हो कितना सारा इधर भी सल्फर पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं उठा लेता हूँ ना। अभी मेरा तो स्पेस नहीं है, मेरा टीममेट भी पूरा सामान उठाएगा। और इसका ना पहले बेस उड़ाते हैं और फिर इधर से चलते हैं। तो गाइज इसका बेस तोड़ दिया और इसका लूट उठाते हैं और फिर चलते हैं। तो ओके गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं और वीडियो में। ओके बाय।